हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम चार मूवी के बारे में। अब चारों मूवी जो है वो हॉलीवुड की होने वाली है, तो चारों मूवी के बारे में जो है एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चारों अलग अलग कैटेगरी की मूवी है, तो आपको जो भी इनमें से देखनी है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं एक मूवी के बारे में बात करूंगा जो कि आपको हाल फिलहाल में हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। मूवी का नाम है माफिया द गेम ऑफ सर्वाइवल। अब देखो ये मूवी मैं ये कहूंगा, देखो आपको हर किसी को पसंद नहीं आएगी। अगर आपने एक सर्कल मूवी थी ना, अगर वो मूवी देखी है जिसमें जो है एक दूसरे को एलिमिनेट करना होता है, तो सेम इस तरीके से इसमें भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि इसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि एक तरह की एक हाईफाई टेक्नोलॉजी चेयर पर बैठे हुए होते हैं, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक गेम है ये, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है कुछ प्लेयर जो होते हैं उनमें से दो लोगों को माफिया होता है, दो लोग माफिया होते हैं और बाकी लोग सिविलियन होते हैं। उन्हें आपस में गैस करना होता है कि कौन माफिया है कौन सिविलियन है। अगर वो गलत गैस करते हैं तो जिसे उन्होंने गलत गैस किया है जिसके लिए उन्होंने वोट किया है, अगर उन्होंने माफिया बताया वो सिविलियन निकला तो वो मारा जाएगा। इस तरीके से गेम प्ले देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल जो है पूरा गेम प्ले एक प्रेडिक्शन पे ही है कि लोगों को गैस करना होता है और फिर उसके बाद में उनकी जो डेथ जो होती है ना वो उनके डर से डेथ होती है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल मूवी में ये कहूँगा कि हाँ वन टाइम वॉच है। अगर आपको कुछ इस तरीके का देखना पसंद है, आपने सर्कल मूवी देखी है, तो आपको ये मूवी पसंद आ जाएगी। बाकी इसकी हिंदी डबिंग की बात की जाए तो हिंदी डबिंग इसकी ओके है और इसका जो सीजीआई वगैरह है वो भी आपको ठीक ठाक सही देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस मूवी को जो है ना देखने के बाद में ये कहो अपने यार दोस्तों से भाई यार तुमने माफिया नाम की मूवी देखी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और डिसेंट सी मूवी निकल कर रह जाती है, कोई ज़्यादा इसकी बात करने वाली बात है भी नहीं। दूसरे नंबर पर बात करें तो अगर हम मूवी की, तो यहाँ पे निकल कर आती है लिफ्ट जो कि सन 2024 की ही मूवी है। अब इसमें आपको अगर देखो हाइस्ट वाली मूवी देखना पसंद है तो ये वाली मूवी भी आपको पसंद आ जाएगी। इसके अंदर जो है उड़ते हुए प्लेन में से चोरी करनी होती है। अब वो चोरी कैसे होगी वो तो आपको मूवी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको जो है हाइस्ट वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको पसंद आ जाएगी, जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर का जो हाइस्ट वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट देखने के मिलता है एरोप्लेन का वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। साथ में जो हमारे जो कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं उनके, देखो अगर यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इनके कैरेक्टर के बिहाइंड जो है कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है। बस ये है कि हाँ कैरेक्टर से एक अच्छा खासा कनेक्शन हो जाता है कि जब आप मूवी को देखते हो। मूवी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेसिंग रहती है तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है, तो आप इसे जाके इन्जॉय कर सकते हो। हिंदी डबिंग इसकी ठीक ठाक है, इसके अंदर थोड़ा बहुत ह्यूमर डाला गया है जो कि आपको इन्जॉय कराता है। ये दो तरह की मूवी हो गई है। तो बात कर रहे हैं अब थोड़ी सी हम स्पाई वाली मूवी के बारे में। तो अगर आपको स्पाई एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है तो यहाँ पर निकल कर आती है 2024 की रोल प्ले, जिसमें क्या होता है कि एक वाइफ जो होती है वो अपने पति से कुछ काम अपने छुपाती है। अब वो काम क्यों होंगे, स्पाई वाली मूवी है तो आप समझ जाओगे। तो जब एक बार उसके पति को वो बातें पता चलती है तो किस तरीके से सारी चीज़ें जो है ऑकवर्ड हो जाती है, किस तरीके से जो बाकी जो विलन्स वगैरह होते हैं वो उसकी फैमिली के पीछे कैसे पड़ जाते हैं और जो वाइफ जो होती है वो कैसे सर्वाइव करती है, मतलब सारी वो चीज़ें अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलती है आप इस मूवी को जाकर चेकआउट कर सकते हो। रोल प्ले मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एक अच्छा खासा कॉमेडी ह्यूमर देखने के लिए मिल जाता है, एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप स्पाई मूवी लवर होते हैं मूवी आपको एक अच्छा खासा जो है टाइम पास करा के देगी। बट ऐसा नहीं है कि हाँ मूवी को आप जो है हर किसी को रिकमेंड करते फिरोगे, मतलब ये चारों मूवी ऐसी होने वाली है कि आप इन्हें वन टाइम देख सकते हो, बस ज़्यादा बात करने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी देखने के लिए है तो आप इन चार मूवी को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें से ये रोल प्ले वाली मूवी भी उसी में से निकल कर आती है। वहीं पर लास्ट की अगर बात की है तो लास्ट में जो है एक एलियनॉइड नाम की एक मूवी देखने को मिलती है जो कि शायद चाइनीज मूवी है। अब इस मूवी के अंदर क्या होता है कि कुछ एलियंस हो जो कि मतलब कुछ कैदी वगैरह होते हैं, वो एलियन जो है कैदी होते हैं तो उन्हें इंसानों के दिमाग में कैद किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, तो बुरे कैदी होते हैं वो इंसानों के दिमाग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद में जो उनके कंट्रोलर होते हैं वो उन्हें जो है रोकने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जो है पूरी कहानी देखने के लिए मिलती है कि हमारे जो कंट्रोलर होते हैं वो क्या वो उन कैदियों को रोक पाते हैं नहीं पाते हैं। और ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मूवी जो है, अगर देखो आपको बताया ना चाइना वाली मूवी में आदमी उड़ उड़ के मारते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना पसंद है तो आप इस मूवी को इस वजह से देख सकते हो। बाकी अगर जो है एलियन वाली चीज़ें देखना पसंद है, साईफाई चीज़ें देखना पसंद है, तो एक बार इसे इस वजह से ही मौका दे सकते हो। और ओवरऑल अगर बात करें मूवी कितनी ज़्यादा अच्छी और कितनी ज़्यादा बेकार है, देखो मुझे इसकी हिंदी डबिंग जो है बिल्कुल भी खास पसंद नहीं आई। दूसरा जो इसकी साईफाई वाला जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो भी मुझे ठीक ठाक सही लगा, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ आप जो है इसे किसी से कंपैरिजन करने बैठ जाओ कि हाँ भाई इसका तो कंपैरिजन ऐसे है, इसकी कहानी ऐसे है। एक बिंज वॉच तो नहीं है लेकिन एक वन टाइम जो है वॉच मूवी है, आप इसे फैमिली के साथ आसानी से चेकआउट कर सकते हो, तो जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। अब देखो चारों मूवी के बारे में मैंने बता दिया है, कोई ज़्यादा बातें नहीं करी है, बस मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको इस टाइप की मूवी देखना पसंद है तो एक बार इन्हें मौका दे सकते हो। आई होप आपको ये चारों मूवी का रिव्यू समझ आ गया होगा। क्विक रिव्यू था, ज़्यादा मैंने कहा नहीं, स्पॉइल करने की कोशिश नहीं करी है। और अगर रिव्यू पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना ताकि बाबू सोना ज़्यादा डोला गया मैं इससे पहले तुम्हारे भाई की नोटिफिकेशन है। मैंने तो आपसे अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।